देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे दो गाड़ियां पकड़ी हैं। यहाँ पे देखिए ये पशुओं की गाड़ी, ये देखिए ट्रक पर, ये दोनों ट्रक हैं जो नेशनल हाईवे की तरफ से भागे, ये भाग रहे थे, ये लिंक रोड की ऊपर की तरफ जा रहे थे। किस तरीके से ये दो गाड़ियां हैं, किस तरीके से पकड़ी हैं पुलिस ने, इतनी बड़ी कामयाबी यहाँ पे पुलिस ने यहाँ हासिल की है। यहाँ ये जीतिया देखिए किस तरीके से, ये देखिए दो गाड़ियां ये पुलिस ने पकड़ी हैं, गाड़ियां पुलिस ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये देखिए गाड़ियां पूरी, ये ट्रक ये है जो इसके अंदर ये भरा हुआ है, ये किस तरीके से देखिए यहाँ पे। ये है इसका काम हुआ है। द्वारा एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुबह 5:30 बजे जो ये ट्रक पकड़े गए हैं यहाँ पे गाड़ी में, इससे क्या कहना चाहिए इसमें? ये सुबह ना 5:30 बजे की बात है कि हमारा बाखर एक नाका है जो धर्मशाल थाने के अंदर काम कर रहे हैं और SHO धर्मशाल सुपरवाइज कर रहे हैं। 5:30 बजे वहाँ से 3 गाड़ियाँ जो हैं बागी ट्रक्स, और उनको शक हुआ कि इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। हमारे हवालदार तिलक राज जो है बाखर नाके का इंचार्ज, वो अलॉन्ग विद पार्टी वहाँ से उसने पीछा किया और नौशहरा तक वो आ गया। यहाँ पे हमने सबको अलर्ट कर दिया था, SHO नौशहरा की टीम भी पुल पे गई 10 ब्रिज पे, और तीनों ट्रक जो हैं वो, उनमें से एक ट्रक जो है नौशहरा ब्रिज पे छोड़ के ड्राइवर भाग गया और 2 ट्रक जो हैं वो गरण रोड पे डाइवर्ट किए। इन बिटवीन SHO धर्मशाल भी आ गए, हमारी पुलिस पार्टी, हम खुद मौके पर गए और हमने तीनों ट्रक जो हैं वहाँ से सीज करके तो कंसर्न थानों में पहुँचा दिए हैं, और जो एक्शन है लीगल एक्शन वो हो जाएगा इमीडिएटली, और जो इसमें मुलजम है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और आइंदा के लिए तमाम पार्टीज को हमने अलर्ट कर दिया है और स्ट्रिक्टली उनको डायरेक्शन दे दी है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करें, और राउंड द क्लॉक बेसिस पर जैसे पहले भी चेकिंग चल रही थी उसमें चेकिंग जो है वो कड़ी कर दें। सर क्या कहना चाहिए जिस तरीके से आज आपने यहाँ पे जानवर निकाले, कितने जानवर निकाले हैं, और सर क्या कहना चाहिए? एक ट्रक में से हमने 15 जानवर निकाले हैं, तो बाकी धर्मशाल में जो 2 ट्रक्स हैं उनकी डिटेल अभी अवेटेड है। और इस तरह से उन्होंने बहुत ही जो क्रूरिटी टू एनिमल एक्ट के अंडर ये फाल करते हैं, तो 188 जो कार्रवाई है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की जो वायलेशन है आर्डर की, उसके साथ साथ क्रूरिटी टू एनिमल एक्ट के अंदर इनको हम बुक कर रहे हैं। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा SDPO नौशहरा को, खालिक चौधरी को और SHO धर्मशाल को, जिसकी मेहनत से ये सारा एफर्ट्स हुआ। लेकिन बदकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं ये खामियां जरूर हैं, क्योंकि ये जो ट्रक हैं ये यहाँ से नहीं, ये जम्मू से चल के आए हैं, और एक एक ट्रक के अंदर से 15-16 जानवर निकल रहे हैं और 3 ट्रक पकड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से मैं DC रजौरी और SSP रजौरी जो हैं उनको कहना चाहूँगा कि ना तो ये ट्रक, ऐसा कानून बनना चाहिए ये ट्रक रिलीज नहीं होना चाहिए, और जो भी गिल्टी है उनके ऊपर PSA लगना चाहिए, और उन लोगों को भी बुक करना चाहिए जिन लोगों, जितने नाके ये क्रॉस करके हैं, वो जितने भी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा से ये इस तरह की हरकत ना हो। मैं एक बार फिर उस हवलदार को जो बाखर नाके पे था तिलक राज, उसको भी मुबारकबाद देना चाहूंगा जिसने इनका पीछा किया। एक ट्रक जो है नौशहरा पुल पे पकड़ा गया और 2 जो भागे हैं वो गरण रोड पे पकड़े गए। तीनों के 3 ट्रक पकड़े गए हैं और इनमें से तकरीबन 50 जानवर जो है मुक्त कराए गए हैं। बोवाइन स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इसके लिए, इस बड़ी कामयाबी के लिए SDPO नौशहरा, SHO धर्मशाल और SSP रजौरी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा।